और चलिए आगे बढ़ते हैं। पैंथर के हमले में घायल बच्चे की मौत। आज शाम टोड़ा मीणा क्षेत्र के पास की ये घटना है। करीब 1.5 वर्ष के बच्चे को उठा ले गया था पैंथर। ग्रामीण बच्चे को लेकर गए निजी अस्पताल। पैंथर के हमले में बुरी तरह बच्चा घायल हो गया था और इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पैंथर के हमले में घायल बच्चे की मौत। आज शाम टोड़ा मीणा क्षेत्र के पास की ये घटना बताई जा रही है। करीब 1.5 वर्ष के बच्चे को पैंथर उठाकर ले गया। ग्रामीण बच्चे को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे। पैंथर के हमले में बुरी तरह से ये बच्चा घायल हो गया और जब इलाज के लिए लेकर पहुंचे उस दौरान इसकी मौत हो गई। ये तस्वीर उस बच्चे की है, ये 1.5 वर्ष का बच्चा जिस पर हमला हुआ। जयपुर से खबर फर्स्ट इंडिया न्यूज की। खबर का असर, पैंथर के हमले में बच्चे की मौत के बाद जागा वन विभाग। आंदोलित वन कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को आपात वार्ता के लिए बुलाया। अरण्य भवन में प्रतिनिधिमंडल के साथ में बैठक। पीसीसीएफ हॉफ डॉक्टर डीएन पांडे, एपीसीसीएफ वन सुरक्षा उदय शंकर, मुख्य वन संरक्षक राजीव चतुर्वेदी वन विभाग की ओर से शामिल। संघर्ष समिति के संयोजक महेंद्र सिंह, भूपेंद्र जादौन, अजयवीर सिंह, अजमेर संभाग अध्यक्ष भंवरलाल बारेठ, दिलीप सिंह कर रहे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व। और ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। निर्मल, जो आंदोलित वन कर्मचारी हैं उनके प्रतिनिधिमंडल को आपात वार्ता के लिए बुलाया गया है। बिल्कुल मेघा, देखिए ये 6 फरवरी से जिस तरह से पैन डाउन हड़ताल कर रही थी, कार्य का बहिष्कार कर रखा था वन विभाग के कर्मचारियों ने, इससे पूरे जंगलात क्षेत्र में राजस्थान में पूरी ट्रैकिंग मॉनिटरिंग रेस्क्यू सर्विलांस तमाम जो सिस्टम था वो पूरा ठप हो चुका है। और उसी का आज एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण नतीजा देखने को मिला, जब टोड़ा मीणा और टोड़ा बिलोद क्षेत्र जो है, जो जम्वा रामगढ़ के पास का क्षेत्र है, वहां पर एक पैंथर ने एक बच्चे को उठाया और उसके बाद उसको इस तरह से घायल कर दिया कि कुछ ही देर में बच्चे की एक निजी अस्पताल में मौत भी हो गई। इस खबर को प्रमुखता से जब दिखाया फर्स्ट इंडिया न्यूज ने, तो उसके बाद तुरंत वन विभाग ने एक आपात बैठक बुलाई। बैठक इस समय अरण्य भवन में शुरू हो चुकी है। पीसीसीएफ हॉफ जो डॉक्टर डीएन पांडे हैं उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है। पीसीसीएफ वन सुरक्षा उदय शंकर उसमें मौजूद है, राजीव चतुर्वेदी जो मुख्य वन संरक्षण संस्थापन है वो उसमें मौजूद है, और संघर्ष समिति के जो तीनों प्रतिनिधि हैं खासकर महेंद्र सिंह, भूपेंद्र जादौन, अजयवीर सिंह, उनके साथ साथ भंवरलाल बारेठ और दिलीप सिंह वार्ता कर रहे हैं। देखिए हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि एक तो टूरिस्टों को बहुत ज्यादा निराशा देखने को मिल रही है, खासकर पर्यटकों को। देश विदेश के पर्यटकों ने जिस तरह से अग्रिम बुकिंग करा कर रखी थी मेघा, और लगातार 2 दिन से अब जितना रणथंभौर की बात करें, ये वार्ता चल रही है लगभग कितना माने कितनी देर ये वार्ता चलेगी? की वार्ता अभी शुरू हुई है और जिस तरह की बजट में अच्छी बात रही कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो मेगा जो बजट दिया है उसमें 2-3 मांगे, इससे जुड़ी हुई मांग भी ली, जो प्रमुख मांगे मान लिया, तो उनको यही बताने की कोशिश की जा रही है कि आपकी कुछ मांगे मान ली गई और कुछ मांगों पर जल्दी ही सहमति बनने के आसार है। ऐसे में कम से कम जो टूरिज्म आपने रोक रखा है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म उसको तो आप शुरू करें, और जिस तरह के हालात अभी बन रहे हैं, जिस तरह से इस बच्चे की मौत हुई है और उसके बाद ऐसी स्थिति और ना आगे इसकी ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति ना हो, उसको रोकने के लिए कोशिश ये की जाए कि वन कर्मी वापस से अपने सेवा क्षेत्र में लौटे और पूरी तरह से अपने सेवा क्षेत्र में जुड़ जाएं ताकि इस तरह की कोई बुरी स्थिति पैदा ना हो। लेकिन अभी देखते हैं वार्ता में क्या नतीजा निकलता है। उम्मीद तो यही की जा रही है कि जिस तरह से आज बजट में घोषणा हुई है तो उसके बाद कुछ सहमति बनने के आसार है, और अगर सहमति बनती है तो सबके लिए अच्छी स्थिति होगी, और सहमति नहीं बनती है तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जंगलात में हालात और बेकाबू हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल पूरी जानकारी के लिए।